हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बचे हुए कपड़े से डबल बो बनाएंगे एंड ये पुरानी क्लिप को रीयूज़ करेंगे। ये हमने कपड़ा कट कर लिया, तीन कपड़ा हमने कट करा है एंड अभी हम इसका मेजरमेंट लेके आपको बताएंगे कि ये कितना कितना कपड़ा है। और हमने सारे कपड़े को डबल फोल्ड करा है। आप देखिए, इधर से हमको सिलाई लगानी है जिधर से खुला है। पहले आप मेजरमेंट देख लीजिए, 7 इंच इधर से एंड 6 इंच इधर से है। आप चारों तरफ बराबर भी रख सकते हो। हमारे पास जितना कपड़ा था हमने उसके अकॉर्डिंग कट करा। हमें जहाँ जहाँ तक सिलन लगानी है वहाँ तक बता रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है इधर से इधर से। एंड अभी हम मेजरमेंट लेके इस कपड़े का भी आपको बता देते हैं। ये 8 इंच है एंड इधर से भी 8 इंच ही है। एंड दूसरा वाला कपड़ा, ये दोनों मेजरमेंट हमने ले लिया एंड वो एक उससे छोटा होना चाहिए एंड एक उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब तीन कपड़े हैं तो तीनों एक दूसरे से 1-2 इंच बड़े होने चाहिए। ये आप देख लीजिए, हमने तीनों का मेजरमेंट ले लिया। हम सिलाई लगाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक हमको सिलाई लगाना है। एंड एक साइड तो आप चाहो तो कट कर दो, नहीं तो हमने कट नहीं करा, हमने डबल फोल्ड कर दिया। अब हमने सिलाई लगानी है एंड बीच में 1 इंच छोड़ देना है। चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको, इतना इतना हमको छोड़ना है तीनों कपड़े में। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तीनों कपड़े में हमने सिलाई लगा दिया है एंड इस तरीके से हमको कपड़े को सीधा कर लेना है, हाथ की मदद से या फिर कुछ और हो आपके पास, जो भी, हाथ से ही हो जाता है आराम से। ये कॉटन का कपड़ा है गाइस। अगर आपके पास सिल्क हो तो और भी अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगता है सिल्क वाला। हमारे पास सिल्क अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे, इसलिए हमने बना लिया कॉटन का ही। रेड कलर अच्छा लगता है। एंड ये देखिए, हमने सीधा कर लिया। कुछ इस तरीके से हमको सीधा करना है एंड सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे अच्छे से ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ये हमने सीधा कर लिया एंड जो पार्ट खुला हुआ है हमको यहाँ पे ऐसे अंदर की साइड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे एंड इसी तरीके से वो सारे कपड़े भी सीधा करके हम उसमें भी सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमको सीधा करना है, आराम आराम से सीधा कर लेंगे। एंड जो बड़ा वाला कपड़ा है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से सीधा करके जितने भी पार्ट खुले हुए हैं उसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसमें इतना खुला हुआ है, हम इसमें सिलाई लगा देंगे एंड उसमें भी हमको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने सीधा कर लिया एंड प्रेस भी कर लिया। ये हमने बहुत अच्छे से एकदम दबा के प्रेस कर दिया है और अब हमको ज़रूरत है सुई धागे की। ये रही हमारा सुई धागा और हम सबसे पहले बड़ा वाला कपड़ा रखेंगे, देन छोटा वाला बीच में रहेगा एंड जो उसको क्या बोलते हैं, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। ये नीचे का हमको इस तरीके से एकदम बीचों बीच ऐसे सिलाई लगाना है एंड इसके बाद सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा वाला वो ऊपर वाले के ऊपर ऐसे रख के एंड तब हमको सुई धागे की मदद से एकदम बीचों बीच सिलाई लगा देनी है। आप देख सकते हो वीडियो में इसी तरीके से ऐसे हम कर देंगे एकदम बीचों बीच। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा हो जाएगा एक तरफ कम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रेड कलर का धागा लेंगे हम। ये देखिए, हम खींच देंगे आसानी से चारों तरफ धागे की मदद से राउंड 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 कर देंगे। अभी से इतना सुंदर लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा था बनने के बाद। यहाँ पे हम नॉट बांध देंगे अच्छे से चारों तरफ घुमा घुमा के ताकि ये खुले ना आसानी से। एंड एक पट्टी बांधेंगे अब इसमें ताकि जो धागा थोड़ा बहुत, वैसे तो नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी वो अच्छा लगता है पट्टी बांधने के बाद, धागा दिखे या ना दिखे। ये हमने पट्टी कट कर ली है एंड अब इसमें सिलाई लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे। पहले हम साइड साइड में सिलाई लगाएंगे एंड उसको सीधा कर लेंगे। वैसे हमको ढूंढने पर कुछ मिलता नहीं है सीधा करने के लिए, लेकिन आज पता नहीं कैसे हमको तुरंत पेन मिल गया। अब हम पेन की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम कस के नॉट बांध देंगे उसमें बीच में ताकि धागा भी ना दिखे और सुंदर भी लगे। हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी पट्टी बना ली, इतनी की हमें नीड नहीं थी। चलिए कोई नहीं, आधा यूज़ करेंगे आधा रख देंगे। इतना हम यूज़ कर रहे हैं नॉट बांधेंगे। ऐसे बांधने के बाद लुक अच्छा आता है गाइस, धागा दिखे या ना दिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हम नॉट बांध देंगे। नॉट बांधने के बाद हमें अब कुछ करना रह नहीं गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना क्लिप जो है, क्लिप हो या क्लेचर हो, जो भी अवेलेबल हो आपके पास, जो आपको लगाने में सही पड़ता हो वो आप अटैच कर दो।
वैसे तो मेरे हिसाब से मेरे लिए क्लिप ही सही रहता है, क्योंकि खुले बाल में ऊपर से लगाना ही तो रहता है जस्ट, तो हम क्लिप ही अटैच कर देते हैं अपना। ये हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था गाइस, हमें लगा नहीं था कि हम बना लेंगे इतना अच्छा, लेकिन बन गया है। वो स्टाइल हम भी कर रहे थे, ये देखिए ग्लू हमारा, और हम क्लिप इसमें अटैच कर देंगे। एंड इसको लगा के हमने आधे घंटे तक रख दिया था, और इसके ऊपर हमने कैंची रख दी ताकि दबा रहे अच्छे से। और ये आधे घंटे के बाद हमारा फाइनल लुक काफ़ी सुंदर लग रहा था गाइस। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड गाइस ऐसे ही और भी वीडियो हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी, आप उसको भी जाके देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। एंड अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।